आज मुकुंदपुर के दिल्ली मेट्रो के डिपो में हैं हम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि जो फेज़ फोर मेट्रो है, जो एक 86 किलोमीटर्स की मेट्रो की बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन है, उसकी ट्रेन्स अब ग्राउंड पे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो में है, 6 कार्स की ये ट्रेन है और इसे मजेंटा लाइन में लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है। ड्राइवरलेस ट्रेन है ये, अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में इकलौती मेट्रो है जिसमें ड्राइवरलेस ट्रेन्स चल रही हैं, जिनकी सेफ्टी बहुत हाई होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज़ गति से एक्सपैंड कर रही है, दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी NCR के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है। मैम, वही एक इससे हटकर पॉल्यूशन को लेकर सवाल है कि जिस तरीके से ग्रैब 4 लागू किया गया है ग्राउंड पर, वो अच्छे से उनके नियमों का पालन किया जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार क्या तैयारी कर रही है? देखिए, दिल्ली सरकार लगातार ग्रैब 4 से पहले ग्रैब 1, 2, 3 के इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो NCR की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैब का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, चाहे डीजल बसेस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो NCR में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो भी ग्रैब को इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा, मेरी तो केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं।